जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, फुटकर विक्रेता के प्रति जो इन थोक व्यापारियों की सेवाओं को हम जान रहे हैं, तो पहला आप स्क्रीन पर देखते हैं कि माल की पूर्ति। ठीक है, अब जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो थोक व्यापारी होते हैं वो निर्माता या उत्पादक तथा फुटकर व्यापारी के मध्य एक कड़ी का कार्य करते हैं। ठीक है, उन दोनों को जोड़ने का कार्य करते हैं या उनके बीच एक मध्यस्थ का कार्य कर सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं सीधी सिंपल और सहज भाषा में। तो ये माल की पूर्ति करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है जब ये स्टॉक मेंटेन करते हैं या बहुत बड़ी मात्रा में वस्तुओं को क्रय करके रखते हैं, तो ये क्या करते हैं, फुटकर व्यापारियों को उनकी आवश्यकता अनुसार उन वस्तुओं को विक्रय कर देते हैं। तो यहाँ माल की पूर्ति निरंतर बनी रहती है, डिमांड एंड सप्लाई, हम मैं जो बात कर रही थी जितनी आवश्यकता है साथ ही साथ जितना सप्लाई की रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बनी रहती हैं। वो इक्वेशंस जो हम बात कर रहे थे वो हमेशा जो है सही बैठती है। तो यहाँ माल की पूर्ति की बात हो रही है, जो पहली सेवा थी किसके प्रति, फुटकर विक्रेता के प्रति। हम दूसरी सेवा की ओर चलते हैं, दूसरी सेवा है माल की पैकेजिंग करना। यहाँ पर जो है फुटकर विक्रेता को उनकी आवश्यकता के अनुसार ये थोक विक्रेता क्या करते हैं या थोक व्यापारी क्या करते हैं, उन माल की पैकेजिंग करके व्यवस्थित उनके स्टोर तक पहुँचाते हैं, है ना। यहाँ पर भी जो पूरा कार्य है, कितने माल की रिक्वायरमेंट है, बस उनको फुटकर व्यापारी के थ्रू पता चल गया कि उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया थोक व्यापारी को कि मुझे इतना ये उत्पाद चाहिए, तो वो उसको उस हिसाब से पैकेजिंग करेंगे और वहाँ तक उनको उनके शॉप तक पहुँचाएंगे। फिर बात आती है साख सुविधाएँ, ये किस तरीके से पॉसिबल है, क्योंकि हर थोक व्यापारी जो है वो अक्सर यही करता है कि अपने फुटकर व्यापारियों को जो माल है वो उधार पर देता है या ऋण पर देता है, क्योंकि हर फुटकर व्यापारी जो है आर्थिक रूप से इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो उतने उतने माल का पेमेंट एक बार में कर सके। तो ये जो साख सुविधाएं हैं कि वस्तुओं को वो दे भी रहे हैं साथ ही साथ उधार पर भी दे रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि जो थोक विक्रेता है या थोक व्यापारी है वो फुटकर व्यापारियों को इस तरीके से मदद करते हैं। अगली जो सेवा है वह है सूचना एवं सलाह देना कि मार्केट में किस तरीके से या बाज़ार में किस तरीके से जो है उत्पादों को विक्रय किया जाए, है ना, किस तरीके से आकर्षक ढंग से उनको कस्टमर तक पहुंचाया जाए, उनके सेल्समैन को, हम जो कह रहे हैं कि जो वहां पे विक्रेता हैं उनको किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाए, ये सारी चीज़ें वो थोक व्यापारी करते हैं और कई बार तो खुद उनके विक्रेताओं को भी ट्रेनिंग देते हैं कि आप इस तरीके से इन प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं या इन उत्पादों को का विक्रय कर सकते हैं। अगली सेवा की ओर बढ़ते हैं, वह है क्रय सुविधा देना। बिल्कुल, कि किस तरीके से क्रय सुविधा देते हैं, कि ये सीधा सीधा क्या कहते हैं कि आप हमें ऑर्डर प्लेस कर दीजिए, हम आपको फैसिलिटेट कर देंगे या हम आपको ये फैसिलिटी देंगे कि आप जितना ऑर्डर देंगे हम आपको आपके शॉप तक उतना ही माल क्या कर देंगे, पहुंचा देंगे। तो एक प्रकार की क्रय सुविधा भी देते हैं। इसके लिए जो है थोक व्यापारियों को बहुत परेशान नहीं होना पड़ता, इधर उधर खूब घूमना नहीं पड़ता। अगर उन्हें एक सही थोक व्यापारी मिल गया तो वो वहां जाकर के एक नियम पूर्वक या एक आसान बातचीत के द्वारा भी इस क्रय सुविधा को ले सकते हैं। अगली सेवा की ओर बढ़ते हैं, अगली सेवा है जोखिम उठाना। देखिए बच्चों, जोखिम उठाना यानी रिस्क टेकिंग, ये जो है वो थोक व्यापारी के द्वारा ही किया जा सकता है, क्योंकि वो एक बड़ी मात्रा में पूंजी को फंसाता है। साथ ही साथ जब वो उतनी बड़ी पूंजी फंसाता है और उसके बाद जब उन वस्तुओं को भंडार गृह में रखता है, उस समय उसको ये भी समस्या आ सकती है कि बाजार कितने दिन तक इस वस्तु के लिए सपोर्ट करेगा, इन वस्तुओं उत्पादों में उनकी आवश्यकता बनी रहेगी। अगर ट्रेंड चेंज हो गया तो फिर इन उत्पादों का क्या होगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसमें जोखिम के अंतर्गत आती हैं। साथ ही साथ ये भी आती हैं कि फुटकर व्यापारियों को जब वो साख सुविधाएं देते हैं तो क्या वो पैसा उनको वापस मिलेगा, उनके विपणन में लगने वाला पैसा, साथ ही साथ विज्ञापन में लगने वाला पैसा, क्या जितनी कॉस्ट वो लगा रहे हैं उनको रिटर्न उतना मिलेगा, ये सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें केवल थोक व्यापारी करता है, इन सब में फुटकर व्यापारियों को हाथ डालने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये जितने भी जोखिम हैं वो कौन उठाता है, वो एक थोक व्यापारी उठाता है, और इस तरीके से वह उस उत्पाद के विक्रय में एक फुटकर विक्रेता को
मदद करता है। अगली सेवा की ओर बढ़ते हैं। अगली सेवा जो है वो है विभिन्न निर्माताओं के संपर्क से मुक्ति। अब क्या होता है, ये जो फुटकर व्यापारी है उन्हें अलग अलग निर्माताओं को संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कई बार थोक व्यापारी क्या करते हैं कि विभिन्न निर्माताओं से मिलकर बहुत सारे उत्पादों का या कुछ एक विशेष प्रकार के उत्पादों का स्टॉक मेंटेन करते हैं या उनका थोक व्यापार करते हैं, ठीक है, हम कह सकते हैं सादी भाषा में। तो यहाँ पर जो होता है, एक फुटकर व्यापारी एक थोक व्यापारी से मिलकर के अपनी आवश्यकता के अनुरूप जितने प्रकार के वस्तुओं की और जिस तरीके की वस्तुओं की उसको आवश्यकता है वो इनसे सीधे तौर पर खरीद सकता है, और जो साख सुविधाएं और बाकी जितनी भी फैसिलिटीज़ उनको थोक व्यापारियों से मिल रही हैं क्योंकि वो निर्माताओं से नहीं मिलेंगी, तो यहाँ पर जो समस्या होती है वो अपने आप सॉल्व हो जाती है कि उन्हें विभिन्न निर्माताओं से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं होती। अंतिम बिंदु देख रहे हैं या अंतिम सेवा की ओर बढ़ रहे हैं जो कि है विज्ञापन के लाभ। जो थोक व्यापारी विज्ञापन करते हैं उत्पादों के विक्रय के लिए, उनके लाभ किसको भी प्राप्त होते हैं, फुटकर विक्रेता को भी प्राप्त होते हैं। उन्हें अलग से इनके लिए किसी भी प्रकार का प्रयत्न प्रयास या फिर विज्ञापन कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। तो बच्चों इस तरीके से आपने देखा कि एक जो थोक व्यापारी है वो किस प्रकार से फुटकर विक्रेता या फुटकर व्यापारी के प्रति सेवाएं देता है। आगे बढ़ते हैं और अंतिम बिंदु की ओर चलते हैं या अंतिम चरण की ओर चलते हैं जो है समाज के प्रति जो थोक व्यापारियों की सेवाएं हैं उसकी ओर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये कुछ बिंदु दिए हुए हैं, आइए उनकी चर्चा करते हैं और उन्हें जानने की कोशिश करते हैं। पहला बिंदु आप देख रहे हैं, उपभोक्ता की रुचि के अनुसार वस्तुएं उपलब्ध कराना। थोक व्यापारी जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि एक मार्केट रिसर्च करता है, मार्केट को एनालाइज करता है ना, मार्केट यानी बाजार, एनालाइज करना मतलब उनका विश्लेषण करना। तो इस विश्लेषण के दौरान वो क्या जानता है कि मार्केट में या बाजार में जो कस्टमर्स हैं यानी उपभोक्ता हैं उनको क्या चीज़ें पसंद है, उनकी आवश्यकता क्या है ना, मार्केट का ट्रेंड क्या है, ये सारी चीज़ों का विश्लेषण वो करता है, उनकी रुचियों को जानता है और उस अनुसार उत्पादों को वह जो है समाज तक पहुंचाने का कार्य करता है। क्योंकि अगर वो इस तरीके का एनालिसिस नहीं करेगा तो वो निर्माताओं तक ये सूचना नहीं पहुंचा पाएगा। ये जितना भी एनालिसिस वो या विश्लेषण वो करता है उसकी पूरी जानकारी वो निर्माताओं तक पहुँचाता है और निर्माता क्या करते हैं फिर उसके अनुसार ही अपने प्रोडक्ट में या उत्पाद में मॉडिफिकेशन करते हैं या चेंजेस करते हैं या बदलाव करते हैं और उनकी रुचि के अनुसार उन उत्पादों को बनाया जाता है और मार्केट में कस्टमर्स के सामने, बाजार में उपभोक्ता के सामने उन्हें लाया जाता है। तो पहली जो सेवा है वो इस तरीके से समाज के प्रति एक थोक व्यापारी अपनी सेवा देता है। दूसरी सेवा आई हम देखते हैं, दूसरी सेवा है कि विज्ञापन द्वारा जानकारी देना। अब हम एज अ कस्टमर घर में बैठे बैठे कौन से नए उत्पाद आ रहे हैं हमें तब तक यह नहीं पता चलेगा जब तक हमें उनके विज्ञापन नहीं मिलेंगे या उनके बारे में जानकारी नहीं मिलेगी। तो ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, विज्ञापन के थ्रू। तो विज्ञापन कौन रिलीज कर रहा है, विज्ञापन कौन फैला रहा है, विज्ञापन का कार्य करने का कार्य कौन कर रहा है, ये सारी चीज़ें जो एक थोक व्यापारी कर रहा है। तो यहाँ पर जो समाज के प्रति सेवा है वो भी कौन कर रहा है, थोक व्यापारी कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल या उदाहरणार्थ आप देख सकते हैं कि बहुत सारे वाटर प्यूरिफायर आए, ठीक है, इसके लिए हमें जानकारी नहीं थी जब ये नए नए हुए आए थे, तो ये जानकारी हमें कहाँ से मिली, विज्ञापनों से मिली। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस आते हैं जिनकी जानकारी हमें नहीं पड़ती, गैजेट्स आते हैं जिनकी जानकारी हमें भी विज्ञापनों के माध्यम से ही मिलती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मार्केट में जब नहीं आती हैं तो उनकी जानकारी हमें नहीं होती, ये किसके माध्यम से हमें प्राप्त होती है, विज्ञापन के माध्यम से प्राप्त होती है। तभी हम उन चीज़ों की जानकारी एकत्र कर सकते हैं और उसके बाद उन सुविधाओं का या उन वस्तुओं या उन उत्पादों का लाभ उठा सकते हैं उन्हें खरीद कर। तो यहाँ पर जो विज्ञापन द्वारा जानकारी देने का कार्य है वो कौन कर रहा है, वो थोक व्यापारी कर रहा है। अगली सेवा की ओर बढ़ते हैं। अगली सेवा है मूल्यों में स्थायित्व लाना। अब मूल्यों में स्थायित्व कैसा आएगा, जब एक निर्माता जो है बहुत बड़ी मात्रा में किसी वस्तु को बनाता है, उत्पाद को बनाता है, तो उसका अपने आप क्या हो जाता है,
कॉस्ट यानी वैल्यू जो है वो कम हो जाती है, और फिर वो क्या होता है, वस्तु को कहाँ तक, उपभोक्ता तक पहुँचाने के लिए इंक्लूडिंग प्रॉफिट यानी लाभ को लेते हुए ऐसे मूल्यों में उनको मार्केट में लाना जिससे कि कस्टमर्स को भी उनका बेनिफिट या फ़ायदा हो सके, समाज को उसकी सुविधा मिल सके। और जो डिमांड एंड सप्लाई है, जो अभी तक आप जान रहे हैं कि आवश्यकता और सप्लाई, मतलब जितनी वस्तुओं को पहुंचाया जा रहा है उपभोक्ता तक, वो हमेशा मेंटेन करके रखना। तो इसके लिए जो है मूल्यों में स्थायित्व का कार्य भी कौन करता है, एक थोक व्यापारी ही करता है। अगली सेवा की ओर चलते हैं। अगली सेवा है चुनाव की सुविधा। क्या चुनाव की सुविधा कि कौन सी वस्तुओं को चुना जाए, कौन सी वस्तुओं की आवश्यकता में है, या हमारे आवश्यकता के अनुरूप कौन सी वस्तु हमें कम मूल्यों पर या कम दरों पर हमें कहां से प्राप्त होगी, ये सारी चीज़ें, ये सभी कार्य कौन करता है, एक थोक व्यापारी ही करता है। इसके बाद आती है वृहद उत्पादन को बढ़ावा देना। ठीक है, वृहद उत्पादन को बढ़ावा देता है क्योंकि ये क्या करता है, बहुत बड़ी मात्रा में जो थोक व्यापारी है वो निर्माता से उत्पाद को लेकर के उसको भंडार गृह में स्टोर करता है, फिर उन्हें फुटकर व्यापारियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार थोड़े थोड़े भागों में उन्हें विक्रय करता है, और उसके बाद वो जो वस्तुएँ हैं वो कहाँ पहुँचती, उपभोक्ता तक पहुँचती हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जब बहुत बड़ी मात्रा में ये सब उत्पादन कार्य होता है तो अपने आप प्रति वस्तु उनकी लागत जो है वो कम हो जाती है, जिससे कि विक्रय मूल्य में कमी आ जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो थोक व्यापारी है वो वृहद उत्पादन को बढ़ावा भी देता है। हम इसके अंतिम सेवा की ओर चलते हैं। अंतिम सेवा है विपणन अनुबंध के लाभ। अब क्या होता है, यहाँ पर वस्तु को यथास्थान व कम कीमतों पर जो है उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का कार्य भी जो कौन करता है, वो है एक थोक विक्रेता करता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक थोक व्यापारी या थोक विक्रेता किस तरीके से निर्माता के प्रति सेवा देता है, दूसरा फुटकर व्यापारियों के प्रति सेवा देता है, और तीसरा वो समाज यानी सोसाइटी के प्रति किस प्रकार सेवा देता है। आइए अब हमने जो है वो थोक व्यापारियों के कार्यों को देख लिया कि किस प्रकार वो सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन एक स्टेटमेंट आता है कि क्या थोक व्यापारी को हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि भाई थोक व्यापारी एक मध्यस्थ की तरह कार्य कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो अपना प्रॉफिट ले रहा है। अब मध्यस्थ जब प्रॉफिट ले रहा है तो वो कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट यानी उस उत्पाद में अपना लाभ जोड़ रहा होगा, तभी तो वो उस उत्पाद को जो है इतने लंबे चैनल के थ्रू कहाँ तक पहुँचा रहा है, उपभोक्ता यानी हम तक पहुँचा रहा है। तो यहाँ पर एक बुरी बात सामने आती है कि जो वस्तुएं हमें कम कीमतों पर मिल सकती हैं वो वस्तुएं हमें थोड़ी ज़्यादा कीमतों पर मिल रही हैं। एक अच्छा कथन है जो सामने आता है, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो कुछ इस प्रकार है। ये कथन विद्वानों के द्वारा दिया गया है। कुछ विद्वानों के अनुसार जो मध्यस्थ होते हैं वो एक प्रकार का जोक होते हैं जो उत्पादक तथा उपभोक्ता दोनों का खून चूसकर दिन प्रतिदिन मोटे होते चले जा रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं कि ऐसे कौन से तर्क हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि इन थोक व्यापारियों को हटा देना चाहिए। पहला तर्क जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला तर्क कहता है बड़े पैमाने पर फुटकर व्यापार। बिल्कुल सही बात है, आजकल आप देख रहे हैं सुपर बाजार बहुत सारे खुल गए हैं, के मार्ट, डी मार्ट और भी कई प्रकार के सुपर बाजार। यहाँ पर जब फुटकर व्यापार इतनी अधिक पैमाने पर बढ़ गई है तो यहाँ पर जो है थोक व्यापारी की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये जो फुटकर व्यापारी होते हैं ये बहुत बड़े पैमाने पर इस प्रकार के व्यापार करते हैं, उनके खुद के गोदाम होते हैं जहाँ पर वो सीधा उत्पादक से अच्छी खासी मात्रा में वस्तुओं को खरीद कर ला सकते हैं और साथ ही उनकी क्या कर सकते हैं, उनको सेव कर सकते हैं और उनको उपभोक्ताओं तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। तो जैसे ही हम बात कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर फुटकर व्यापार बढ़ रहा है तो यहाँ पर जो है थोक व्यापारियों की आवश्यकता नहीं है। दूसरा बिंदु देखते हैं, दूसरा बिंदु है गला घोट प्रतियोगिता।
जैसे कि हम मार्केट में जानते हैं, बाजार को जानते हैं कि हर एक उत्पादनकर्ता या निर्माता यह चाहता है कि मार्केट में जब इतना ज़्यादा प्रतियोगिता है, इतना ज़्यादा कंपटीशन है, तो अपने उत्पाद को या अपने ब्रांड को बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, उन्हें जो है इस प्रतियोगिता में बने रहने के लिए अपने उत्पाद को कम दरों पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराना पड़ेगा, कम और उचित दरों पर, ये कहना ज़्यादा सही होगा। तो इसके लिए जब यहाँ पर थोक व्यापारी बीच में आते हैं तो अपने आप क्या हो जाएगा, वो एक मध्यस्थ की तरह कार्य करते हैं और अपने आप कहीं ना कहीं उन वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है। तो इन गला घोट प्रतियोगिता से बचने के लिए भी यह कहा जा सकता है कि थोक व्यापारियों को अगर हटा दिया जाए तो इस प्रतियोगिता में हमेशा बने रहना मुश्किल ही नहीं है, बल्कि हमेशा बना रहा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे बिंदु की ओर या तीसरे तर्क की ओर। तीसरा तर्क कहता है वस्तुओं की कीमत में वृद्धि। जैसे कि मैंने बताया कि जैसे ही वस्तु उत्पादनकर्ता या निर्माता के प्लांट से निकली, वो सीधा अगर थोक व्यापारी के पास आएगी तो कहीं ना कहीं वो उसमें अपना लाभ को जोड़ेगा। तो जिस वजह से जो वस्तु की जो एक्चुअल वैल्यू थी वो बढ़ जाती है और वो कहीं ना कहीं बढ़कर क्या होता है, कस्टमर तक पहुंचती है। तो यहाँ पर क्या होता है, वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो गई, तो ये चीज़ नहीं होना देना है या ये चीज़ होने से रोकना है, तो इसके लिए थोक व्यापारियों को हटाना बहुत ज़रूरी है। अगला तर्क देखते हैं। अगला तर्क है चोर बाजार को प्रोत्साहन देना। कई बार आप देखते हैं कि अक्सर जो है बाजार में वस्तुओं में, उत्पादों में कमी आ जाती है, उनकी कमी अचानक से दिखने लग जाती है, मार्केट से वो चीज़ें गायब हो जाती हैं। ये कौन करता है, ये थोक व्यापारी करते हैं। किस लिए, डिमांड को बढ़ाने के लिए, है ना, ताकि डिमांड आए और जैसे ही कोई चीज़ की सप्लाई रुकती है उसकी डिमांड बढ़ती जाती है, तो जैसे ही वस्तु बाजार में आती है वो थोड़ी ऊंची कीमतों पर भी लोग उनको खरीदने लगते हैं। तो यहाँ पर जो चोर बाजारी को प्रोत्साहन मिलता है, तो ये चीज़ें रोकने के लिए भी थोक व्यापारियों पर रोक लगाना बहुत आवश्यक है। फिर बात आती है यातायात एवं संदेश वाहन के साधनों का विकास। अब चूंकि यातायात एवं संदेश वाहन जो है आज की टेक्नोलॉजी के विकास के साथ साथ बहुत ईजीली सभी कंपनियों के द्वारा, सभी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, सभी संगठन के साथ साथ सभी तरह के व्यापारियों के द्वारा इन चीज़ों को अपनाया जा रहा है, क्योंकि आसानी से उपलब्ध हो जाती है, इनका विकास हो चुका है, तो इस स्थिति में जो है थोक व्यापारियों पर डिपेंड रहना उतना आवश्यक नहीं है या उन पर निर्भर करना उतना आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि थोक व्यापारियों को हटाया जा सकता है। फिर बात आती है विज्ञापन तथा पैकेजिंग की सुविधाएं। अब विज्ञापन हम पैकेजिंग की सुविधाओं की बात करें, तब जैसे कि मैंने बताया जो सुपर बाज़ार में जो लोग होते हैं या सुपर बाज़ार के मार्ट डी मार्ट चलाने वाले लोग होते हैं, ये सीधा सीधा उत्पादनकर्ता से अगर जो है वो वस्तुओं को या उत्पादों को खरीद के लाते हैं, तो ये जो पैकेजिंग और विज्ञापन का कार्य जो है वो खुद ही अपने एंड पे करते हैं, क्योंकि ये जो फुटकर व्यापारी है वो अब बड़े लेवल पे काम करने लग गए हैं, तो यहाँ पर उनके पास पूंजी की भी कमी नहीं होती। तो इस स्थिति में क्या होता है, यहाँ पर जो खर्च थोक व्यापारी विज्ञापन और पैकेजिंग में कर रहे थे, अब उस तरह की पूंजी की आवश्यकता को वो खुद यानी फुटकर व्यापारी फुलफिल कर सकते हैं। तो इस स्थिति में भी हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है इन थोक व्यापारियों की आवश्यकता नहीं है। अंतिम तर्क है सहकारिता आंदोलन। सहकारिता आंदोलन क्या होता है कि वस्तुओं को उत्पादनकर्ता से सीधा उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए ये सहकारी समितियां भी मदद करती हैं। तो अगर इनको भी देखें और इस तर्क को भी सोचें, तो इस तर्क के अनुसार भी थोक व्यापारियों को हटा देना ही उचित रहेगा। लेकिन बच्चों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ये तो एक पहलू था, आइए अब हम दूसरा पहलू देखते हैं। आइए हम सिक्के के दूसरे पहलू की बात कर रहे थे, तो हमने पहले पहलू में ये जाना कि थोक व्यापारियों को हटा दिया जाए, लेकिन अब दूसरा पहलू देखते हैं कि क्या थोक व्यापारी आवश्यक हैं या क्या थोक व्यापार आवश्यक है। तो इन्हें हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, तो शायद हमें इसका कॉन्सेप्ट और अच्छे तरीके से क्लियर होगा। आइए हम इन्हें कुछ बिंदुओं के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहला बिंदु जो है वो कहता है उत्पादक निर्माता के लिए भावी मांग का अनुमान लगाना आसान नहीं। अभी तक जैसे हमने
जाना है कि जो निर्माता और उत्पादक होते हैं उन्हें जो मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में क्या ट्रेंड है, लोगों की क्या आवश्यकता है, उनकी क्या मांग है, ये वो अनुमान नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि यहाँ पर उनकी टीम जो है वो काम नहीं करती है। यहाँ पर जो है थोक व्यापारियों की अपनी खुद की विपणन टीम जो है या विक्रय टीम जो है वो काम करती है। ये अपने कार्यों को बहुत ही निपुणता से करती हैं और ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन है या सूचनाएं हैं वो उत्पादक या निर्माता तक पहुंचाने का कार्य कौन करती हैं? ये थोक व्यापारी ही करते हैं। तो इसलिए जो पहला बिंदु है या पहला तर्क है जो ये सिद्ध करता है कि थोक व्यापार आवश्यक है, वो ये है कि उत्पादक व निर्माता के लिए भावी मांग का अनुमान लगाना आसान नहीं। और ये कार्य कौन अच्छे तरीके से कर सकता है? ये कार्य जो है एक थोक व्यापारी या थोक व्यापार ही अच्छी तरीके से कर सकता है। अगले बिंदु की ओर या अगले तर्क की ओर चलते हैं, वो है विशिष्टीकरण की प्रेरणा थोक व्यापारी से, स्पेशलाइजेशन। यहाँ पे बात आती है कि हर वस्तु अपने आप में और हर निर्माता अपने आप में विशिष्ट है। ये जो भावना है, ये जो प्रेरणा है, वो कहाँ से मिलती है? थोक व्यापारियों से ही मिलती है। अगर हम कपड़ों की बात करें तो भी थोक व्यापारी जो है जब इतनी बड़ी मात्रा में उस उत्पाद को खरीदते हैं तो वो उन निर्माताओं को विशिष्ट बनाते हैं। हम खाद्य उत्पादों की बात करें तो वो उन निर्माताओं को इस तरीके से खरीदी करके विशिष्ट बनाते हैं। तो उनकी खरीदी से ही जब ये विशिष्टीकरण की जो भावना है वो जो है निर्माताओं तक पहुंचती है, तो इसके लिए भी थोक व्यापारियों की या थोक व्यापार की आवश्यकता है, हम कह सकते हैं। अगले बिंदु की ओर चलते हैं जो कहता है साख सुविधाएं प्रदान करना। बिल्कुल, ये किस तरह की सुविधाएं प्रदान करती हैं निर्माताओं को? ये हमेशा कैश में उनसे ट्रेडिंग करती हैं या नगद में उनसे व्यापार करती हैं, और फुटकर व्यापारियों को ये हमेशा उधार में उनके साथ ट्रेडिंग करती हैं या व्यापार करते हैं। इस तरीके से ये दोनों पक्षों को साख सुविधाएं प्रदान करती हैं और उनकी वित्तीय समस्याओं को हल करने की कोशिश करते हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि थोक व्यापारी आवश्यक हैं। अब चौथे बिंदु की ओर चलते हैं। चौथा बिंदु कहता है उपभोक्ताओं तक वस्तुओं को पहुंचाना। उपभोक्ताओं तक वस्तुओं को पहुंचाने का कार्य भी जो है थोक व्यापारी करते हैं। इसके लिए वो अलग अलग विपणन की जो क्रियाएं हैं, जैसे हम मार्केटिंग एक्टिविटीज कह सकते हैं, उन्हें करते हैं। साथ ही साथ उनके लिए अलग अलग विज्ञापन करते हैं जिससे कि उपभोक्ताओं तक वस्तुओं की जानकारी पहुंचे और उपभोक्ताओं में उन वस्तुओं के प्रति जिज्ञासा जाने, वो उनकी तरफ आकर्षित हों, उनकी आवश्यकता बढ़े और वो वस्तुएं जब मार्केट में आए तो उनका विक्रय होना शुरू हो जाए, जो उपभोक्ता है उनको खरीदना शुरू कर दे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि उपभोक्ताओं तक वस्तुओं को पहुंचाने का कार्य कौन करता है? ये थोक व्यापारी करते हैं। फिर बात आती है उपभोक्ताओं की मानसिक प्रवृत्ति का अध्ययन करना संभव नहीं। जो निर्माता है उनके द्वारा उपभोक्ताओं की मानसिक प्रवृत्ति का अध्ययन करना बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि ये उपभोक्ता से बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं होते। यहाँ पर जो थोक व्यापारियों की जो टीम है, चाहे वो मार्केटिंग टीम कह सकते हैं, विपणन की टीम हम कह सकते हैं, विपणन मार्केटिंग एनालिसिस टीम जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं विपणन विश्लेषण टीम जो हम कह सकते हैं, जो मार्केट का एनालिसिस करते हैं, ये टीम साथ ही साथ वस्तु को विक्रय करने के लिए जो सेल्स पर्सन होते हैं उनकी टीम है, ये सारे लोग जो हैं वो उपभोक्ताओं से बहुत ही क्लोज या उनके बहुत करीब होते हैं, जो उनकी मानसिकता को समझने का कार्य करते हैं और इस तरीके से वो उनकी मानसिकता को समझ करके निर्माताओं तक वो बात को पहुंचाते हैं। अगर आप उसको उदाहरण से समझना चाहें तो जैसे हमारे देश में हमेशा त्योहार हर समय आते रहते हैं, ये जो है इस त्योहार या इस सीजन हम कह सकते हैं मौसम आते हैं, तो ये जो चीजें हैं ये बताती हैं कि उस समय जो कस्टमर या उपभोक्ता है उसकी मानसिकता क्या हुई। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें नवरात्र के समय हम लें, तो लोग
नवरात्र में दुर्गा पूजा करते हैं, देवी की प्रतिमा स्थापित करते हैं, इसके अलावा अलग अलग पूजन सामग्री लेते हैं। फिर इस समय लोग जो हैं बहुत बड़ी मात्रा में गरबा खेलने जाते हैं, उसके लिए खूब बहुत ही खूबसूरत वस्त्र पहने जाते हैं, डांडिया का उपयोग किया जाता है, बहुत DJ माइक सिस्टम्स, सजावट का सामान, इन सारी चीज़ों को मार्केट तक लाने का काम कौन करता है और मार्केट में जाने का काम कौन करता है, ये सारे कार्य जो हैं वो थोक व्यापारी करते हैं। और इनकी जानकारी भी कौन निर्माताओं तक पहुंचाता है, ये कार्य जो है वो कौन पहुंचाता है, थोक व्यापारी पहुंचाते हैं। ये एक सिंपल सा उदाहरण था, ये तो केवल एक फेस्टिवल की बात करी या एक मैंने त्यौहार की बात करी। हमारे जो देश है वो विविधता का देश है, यहाँ हर तरह के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं, हर धर्म का अपना एक अलग त्यौहार है, उनका एक अलग कल्चर है, उनके उस त्यौहार को मनाने का तरीका अलग है, उनकी उस समय रिक्वायरमेंट या आवश्यकता अलग है। उन आवश्यकताओं को निर्माताओं तक पहुंचाना और उनकी आवश्यकताओं को समझने का कार्य कौन करता है, ये थोक व्यापारी करते हैं। तो इस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि थोक व्यापार आवश्यक है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला तर्क क्या है। अगला तर्क है, फुटकर व्यापारियों के लिए बड़ी मात्रा में स्टॉक रखा जाना असंभव। मैंने आपको इसके पहले जो पार्ट में बताया कि के मार्ट, डी मार्ट, सुपर मार्केट, ये जितने हैं ये स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन क्या ये हमारे देश जैसा अभी विकासशील है, विकसित नहीं है, तो क्या इन्होंने मार्केट पूरा कैप्चर कर लिया? नहीं नहीं, यहाँ अभी भी छोटे फुटकर विक्रेता अवेलेबल हैं जो कि इतनी बड़ी मात्रा में स्टॉक को मेंटेन करके नहीं रख सकते। तो इस स्थिति में भी हम कह सकते हैं कि ये जो थोक व्यापारी हैं वो आवश्यक हैं। तो अगर हम निष्कर्ष की ओर चलें तो हम यह कह सकते हैं कि जो ये थोक व्यापारी है एक मध्यस्थ की तरह कार्य करते हैं, यहाँ पे इन पर अभी भी प्रश्न चिन्ह बना हुआ है और ये अभी भी विवादास्पद है। लेकिन कहते हैं ना, कुछ चीज़ों के बिना काम बनता नहीं है, तो ये कुछ चीज़ों में यही लोग आते हैं, हम इनको उदाहरणतः ले सकते हैं। तो हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि थोक व्यापारियों का उन्मूलन जो है ना ही संभव है ना वांछनीय है। तो हमें इन्हें अपने साथ समाज में रखना, समाज को आगे बढ़ाने के लिए और व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है। आइए थोक व्यापार को जानने के बाद हम फुटकर व्यापारियों की ओर आगे बढ़ते हैं और फुटकर व्यापार के कॉन्सेप्ट को जानते हैं कि फुटकर व्यापार क्या है।